करंट की चपेट में आने से संविदा कर्मी का इलाज के दौरान हुई मौत। बिजली विभाग के अधिकारियों ने मृत के परिजनों को सौंपा 5 लाख का चेक। रोहनिया वाराणसी। रोहनिया क्षेत्र के बिजली विभाग की लापरवाही से बृहस्पतिवार के दोपहर बच्चेलाल पटेल बिजली कर्मचारी की गंभीर रूप से करंट लगने से गंभीर रूप से झुलस गया था। इसकी देर शाम इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना से नाराज घर वालों ने रोहनिया स्थित निजी अस्पताल में जमकर हंगामा किया और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी किया। जानकारी के अनुसार बैरवन ट्यूबवेल पर 11,000 का लाइन बनाने गया कर्मचारी, जिसके दौरान करंट लगने से लाइनमैन बच्चे लाल की पिता अगलू पटेल निवासी कबर फोरवा की बुरी तरह से झुलसने से दाहिना हाथ कट गया। इसकी निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसको एक बेटा 27 वर्ष, 2 लड़कियां जिनकी उम्र 18 व दूसरे 16 वर्ष की है। मौके पर अधिशासी अभियंता विनोद कुमार पटेल व तहसील विकास पांडे, सहायता अभियंता AK पांडे और अपना दल राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल, जिला पंचायत सदस्य सुनील सिंह, ग्राम प्रधान मनीष श्रीवास्तव, पूर्व प्रधान अनिल पटेल, BDC दीपक पटेल, इन सब की मौजूदगी में 5 लाख का चेक, 25,000 रुपये नकद सहायता राशि प्रदान की गई और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर कंपनी में नौकरी देने व पत्नी को पेंशन व दोनों लड़कियों को 25 वर्ष तक पेंशन दिया जाएगा। लेकिन जो सिस्टम है, अभी जो सिस्टम है वो तो आपने बता दिया, लेकिन आप क्या अधिकारी क्या हम बोले हैं आप खुद जो है सामाजिक गार्जियन है, बात हो तो करेंगे नहीं करेंगे, यहाँ से वो रही विधायक यहाँ से बात होगी उनसे। लेकिन हम कर्मचारी नहीं आप लोग तांत्रिक पदाधिकारी हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप बात कर लीजिए हमारे अधिकारी से। मैं अपने आदमी के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ रात दिन के 24 घंटे।